करके जरूर जाएंगे, ये हमारी सोच है। डॉक्टर साहब आपके बीच में, डॉक्टर किरण लाल जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं, आप सब सामने को मिले हैं, हो चुके हैं। मैं सोचों में बैठने वाले जो अपने सोचों में जगह आपको खाली करनी पड़ेगी, अपने कमेटी के मंत्रियों का निवेदन करता हूँ कि आप सोचों में से थोड़ा जगह खाली करें। आप बैठ जाओ।
अभी लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बैठने में एक घंटा लग जाएगा। ए बाबा खड़ा हो जाओ, ये सवाई माधोपुर को बैठ के देखते हैं, खड़ा हो जाओ। बड़ा खुशी की बात है, ए भाई ये ढोलक बजाने वाले को चुप कर देना। माता बहनों का एक अद्भुत संगम, हर वर्ष मेला लगता है, और इस मेले में तुम चुप रह जाओ, बैठने वाले हल्ला कर रखा है, बैठ जाओ भाई। कभी कभी मेरे को भी आने का मौका मिल जाता है। गत साल भी मैं आने वाला था, लेकिन मेरे से पहले गहलोत साहब आ गए। आज मैंने जल्दबाजी की तो मैं पायलट साहब से पहले आ गया। कोई झगड़ा नहीं है हमारा, पर मैं 5 साल तक गहलोत साहब के खिलाफ सड़कों पर लड़ता रहा, तो थोड़ा आपस में आंख मिलाने में दिक्कत आती है। तो मेरे को महाराज ने टोका कि आपको न्योता दिया था, आप आए नहीं। और अभी 10 दिन पहले इंदिरा जी का फोन गया था मेरे पास कि मैं आपको न्योता देने के लिए आऊंगी। मेरे को आज तक न्योता देने के लिए नहीं पहुंची, तो मैं तो बिना न्योते ही आ गया। मैंने अभी इंदिरा जी को फोन किया था, इंदिरा जी कहाँ हो? जहाँ है वहाँ है, रहना भी चाहिए, उनके नेता आ रहे हैं। तो ये एक तरह से भक्तों का मेला, और मैं बहुत पहले से इस स्थान पर आ रहा हूं। जब बड़े महाराज थे तब एक दो बार तो रात में मुझे को यहां रुकने का मौका मिला। जो बगल में वो तलाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कुछ काम तो ज्यादातर भक्तों ने कराया, पर कुछ मैंने भी कराया। और अभी स्थान बहुत बड़ा विशाल बन चुका है। मैं छोटे बालाजी जी, शिवानंद जी, नित्यानंद जी, शिवानंद जी, हाँ बड़े बड़े शिवानंद जी थे, ये नित्यानंद जी हैं, इनकी अगुवाई में इस स्थान का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टोंक में जोधपुरिया का स्थान है, वैसा ये स्थान बनने के लिए जा रहा है। आप सब महाराज को साथ देते हैं, गुरु महाराज को इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत तो फक्कड़ होता है, उनके पास पैसा कहां से आए, लक्ष्मी कहां से आए, धन कहां से आए। जब अपार जन सहयोग मिलता है तो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब अपार जन समूह 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब यहां तो बाबा ने क्या तय किया मेरे को पता नहीं, लेकिन बालाजी के महंत ने मेरे को बुलाया है। वो 18 तारीख को 4 लाख किलो लड्डू देसी घी के अयोध्या को रवाना करेंगे। तो आप जाओगे तो वहां भी देसी घी का
लड्डू आपको खाने का मिलेगा। और यहाँ भी माल देसी घी का ही होगा, प्योर देसी। हाँ, मिश्री मावा भी बनता है, जोरदार चटकाने से खाओगे आप। ये भाईचारा, ये प्रेम भाव, ये भक्ति का भाव। और ये नहीं है कि एक ही जाति आती है, सभी जाति धर्म के 36 कौन से लोग इस आश्रम पर आते हैं और ये विशाल भंडारे में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो मैं भी यहाँ का एक छोटा सा भक्त हूं। मैं इस आश्रम पर जो भी जिस किसी प्रकार का गुरु जी महाराज मेरे को कहेंगे वो सहयोग देने के लिए तैयार मिलूंगा। आप मैं भी अब कुछ दिनों बाद बाबा जी बनने वाला हूँ। मेरे को पूरे राजस्थान में बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन इस बाबा में नित्यानंद में केवड़ीलाल में फर्क है। मेरे पास गोल माँ है, ये ब्रह्मचारी है। तो मैंने भी मेरा आश्रम बनाना चालू कर दिया है। 5-6 साल से आश्रम का काम चल रहा है। मेरा आश्रम किस किसने देखा है, जरा हाथ खड़ा करो। ये महिलाओं ने नहीं देखा। अभी वहां पर 47 फुट ऊंची महादेव की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे गंगा जल का प्रवाह होगा। महादेव जी की जटा होगा और वह विशाल मीन भगवान का मंदिर, बाकी देवी देवता जो सनातन परंपराएं जो हिंदू मानते हैं उनकी स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं। 1-2 साल में जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं भी राजस्थान भर के भक्तों को बुलाऊंगा और उस दिन मैं भी बाबा का तिलक लगा के कपड़े पहन के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा। क्योंकि अब ज्यादा राजनीति में पूरा समय दे दिया, 72 साल का हो गया। ये तो अच्छा हो समाजपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी। तेरा पग पकड़ो रहे माँ दो राखो राज की रोड़ी को, राखो राज बुढ़ापा। सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के नहीं गया जितने वोटों से जीता गया सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव 1 हो गए। पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई मैया बौली और बामनवास की जनता ने पार किया। इसलिए मैं बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता रहा था वहां जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था। तो ज्यादातर हम किसान हैं। मैं गांव में कैंप लगवाऊंगा, भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए, ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है।
मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को संभाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाल दिया, और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको, लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा, इस बात का भरोसा करूंगा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शन देते हैं, राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गांव में दो लंडवे मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, तो मैं करा दूंगा, कराऊंगा उनके है वो, एक 44 साल का एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करूँ, तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा, वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कतई पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूं, आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप कहोगे, उन्हें पूरा सहयोग देना और उसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आप साथ आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो हेलो, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है, वो किसानों का एरिया है, इसलिए भाई भाई बैठ बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ। अरे तू खाकी है, खाकी बटी है जानो, ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दे, ये तो बाबा हाई नहीं कर रही है महाराज, महाराज ये तो मना कर रही है एग्रीकल्चर कॉलेज की, तो रहने तो फालतू की बात, पहले कॉलेज की बात कर, ये बताओ तुम तो सब आसपास करो, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 100 बीघा जमीन चाहिए कि वो है ना, मेरी बात सुनो, है है, मैं पहले बता देता हूँ, 100 बीघा जमीन चाहिए कि और उसको आगे विकसित करने के लिए और जमीन की भी जरूरत पड़ सकती है, मिल जाएगी, हाँ है, कहाँ पे मौजूद है, तू तो सरस्वती वाला कह रहा है, यहाँ की कह रहा हूँ मैं, यहाँ की यहाँ 100 कहाँ है, ये तो 25 बीघा है, मैं रोड से लेके यहाँ पे है, पीछे भी है, देखो समय लग सकता है क्योंकि गहलोत साहब खजाने को खाली कर गए, लेकिन मैं इस स्थान पर आया हूँ तो महाराज आदेश दे रहे, भक्तों की मांग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ भी 100 बीघा जमीन मिलेगी वहाँ करा दिया जाएगा, बाउंड्री वाल की होती है, बाउंड्री वाल करेगा
लड़ेगा तो कौन भी कौन लड़ेगा थे वो आप से नहीं लड़ेगा थे अरे बाउंड्री बाद लड़ेगा थे लड़ाई की हेलो हेलो देखिए दोनों पत्र हैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा दो वो दे दिए उधर लेके डॉक्टर साहब के पास दोनों यहाँ ऐसा नहीं है बाउंड्री बाद अलग है अमृत सरोवर बनाया है उसकी चार दीवारी का मामला है वो अलग लेटर है और कॉलेज का लेटर अलग है जो ट्रस्ट के दोनों ट्रस्ट के उस पे है अब सपोर्ट से अपने विधायक साहब श्री हंसराज जी बालोती आपके बीच में पधार चुके हैं अब मैं देखिए सबसे मिलेंगे पहले उसके बाद अपने सब जो भी सभी का भाषण करवाएंगे देखिए 31 बोरी शक्कर की प्रतिराज मीना हमारे हमारे विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी भी आपके बीच में पधार चुके हैं हमारे विधायक साहब श्रीमती इंदिरा मीना जी भी आप सबके बीच में आशीर्वाद देने पधार चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं निवेदन करता हूँ विधायक साहब ने कहा अभी माइक संभाले सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच में विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय सचिव आयोग जी बना रहे और कमेटी की तरफ से और गांव वालों की तरफ से और आम जनता की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत और सम्मान करते हैं मैं निवेदन करना चाहती हूँ कमेटी के लोगों के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाएगा माननीय पायलट साहब थोड़ा पधारे हमारे बीच में घनश्याम वो भी पहुंचे हैं उनका भी सभी कमेटी की तरफ से स्वागत और सम्मान सोलन के साथ भी पूर्व विधायक जा चुके वो भी हमारे बीच में पहुंचे राम नारायण जी भी हमारे बीच में विराजमान है वो कई बार विधायक बन चुके हैं माननीय सचिन पायलट जी का स्वागत और सम्मान सरपंच साहब हनुमान जी रामनारायण जी का
सभी के सम्राट माननीय सचिन पायलट जी आप सबके बीच में पहुंचे हैं गुरु महाराज के दर्शन करने। और मैं कहना चाहूंगी पिछली बार यहाँ की 16 निवार दिवस समारोह है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी कि ये गौशाला होनी चाहिए, तो आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो गौशाला के नाम अलॉट हो गई है और जल्द ही ये गौशाला बनने वाली है यहाँ पर। और आवासीय इदारे जो एक मॉडल आवासीय इदारे हमारे गुरु महाराज के नाम से स्वीकार हो चुका है और उसका पैसा भी आ चुका है। सभी भक्तों के लिए बड़े खुशी की बात है कि जो सरकार ने हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी पिछली बार आप भक्तों को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी यहाँ पे हमारे बीच में जसकोर जी भी विराजमान है, मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए, परियोजना चालू रख दो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकोर जी को कहना चाहूंगी। देखिए भाई साहब, युवाओं से जगह सबसे निवेदन है, रुको भाई आप बिल्कुल अपने सब जिम्मेवार करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी बैर साहब से कि अपना कम समय में बहुत भाषण दे उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये धार्मिक नगरी भेड़ोली का जो आश्रम, ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। विधायक उनका मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामलाल मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई, बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोलहवीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में समाज में, जिन लोगों ने अपने त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार प्रेम मोहब्बत सद्भावना त्याग समर्पण एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो
इस क्षेत्र से, इस पूरे छत्तीस कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में डोब देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में उतार आए चढ़ाव आए, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ इस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, सारा कुछ मैं करूँ और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूँ उसका भी कोई फायदा नहीं। आपसी संबंध प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा, इस बात का आपको वादा करके जाता हूं। और आज मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था।